हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब, बताइएगा। मैं सोनम विश्वकर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में। ठीक है, भूल जाती हूँ मैं। और मैं बहुत दिन के बाद से मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। बहुत दिनों से छोड़ दिया था, तो छुट्टी ली थी, तो मैसेज आ जा रहा। तो बता रही हूँ आज मैं ऐसा लुक में क्यों मैं कोई खास सेलिब्रिटी का मतलब लुक क्रिएट करना चाह रही हूँ। ब्लॉगिंग नहीं करी आज, ब्लॉगिंग नहीं दिखाऊंगी। मतलब मैं कुछ नया करने के लिए सोचा है आज पहली बार, और जो कि मुझे आता नहीं है, फिर भी करने के लिए सोचा है। तो मैं आलिया भट्ट जी का गंगूबाई काटिया वाला फिल्म का जो लुक है एक, वो क्रिएट करने जा रही हूँ। ये वाली देख लीजिएगा, तो उसी को लुक, वही लुक उसके लगभग मिलता जुलता लुक अपनाने के लिए जा रही हूँ। क्योंकि उतना पूरा है हूबहू ओसा वाला सामान मेरे पास नहीं है, बस जो घरेलू सामान है दो चार वही हैं। तो उसी से मैं अपना लुक क्रिएट करूँगी, और बताइएगा कैसा है। पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, फिर भी कंटिन्यू बने रहिए और बताइएगा। कोशिश बस कर रही हूँ पूरा हूबहू ओसा कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, मुझे पता नहीं है। तो कंटिन्यू बने रहिए और देखिए, ठीक है। तो फैन, सबसे पहले मैं अपने चेहरे पर मतलब गुलाब जल लगा रही हूँ। टोनर उनर जो लगाते हैं वो सब नहीं है मेरे पास। प्राय मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ, लेकिन मेरे पास ख़त्म हो चला था आज, तो इसलिए मैं एलोवेरा जेल नहीं लगाई। और मैं जो डेली यूज करती हूँ पोन्स वाइट ब्यूटी का, उसमें थोड़ा फाउंडेशन मिला करके मैं अपने फेस में लगा रही हूँ, तो उसी को मिला ले रही हूँ मैं। क्योंकि डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ, मैं शुरू से ही ऐसे ही करती हूँ, क्रीम में फाउंडेशन मिला करके लगाती हूँ। और थोड़े से वो जो ग्लो मतलब लाली आने के लिए जो क्या बोला जाता है मुझे नहीं आ रहा है, तो उसको मैं लिपस्टिक से ही लगा ली। पिंक कलर का लिपस्टिक था। मैं प्राय मतलब जब वीडियो वीडियो बनाने के लिए मेकअप करती हूँ कि नहीं, तो मैं ऐसे ही मेकअप करती हूँ। और कभी कभी तो मैं सिर्फ फाउंडेशन वाउंडेशन लगा के ही, ये डेली नहीं लगाती हूँ मैं। तो बस ओला लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया, उसके बाद से फाउंडेशन लगा रही हूँ। देखिए बस तीन चार चीज़ों से ही मैं मेकअप करती हूँ फ्रेंड्स। कभी कभी तो सिर्फ पाउडर वाउडर से ही मैं अपना वीडियो वीडियो शूट कर लेती हूँ, पाउडर वाउडर ही लगाती हूँ। तो ये देखिए मेरा फाउंडेशन लगाना कंप्लीट हो गया, इसी से चेहरा खिल गया। और अब इसके बाद से थोड़ा आईब्रो, क्योंकि उनकी थोड़ी आईब्रो मोटी थी, तो इसीलिए मैं आईब्रो पेंसिल का भी यूज कर रही हूँ। तो ये देखिए यूज की, मैं मेरी बेटी आई थी तो उससे बात भी करने लगी थी। ये देखिए मेरे से कैमरे में देख के नहीं हुआ, तो थोड़ा शीशा में देख के मैं ठीक कर ली, मेकअप कर ली। उसके बाद से मैं काजल भी उन्होंने नीचे तरफ से थोड़े मोटे टाइप के लगाए हैं, तो मैंने भी लगाया। ऐसे मोटे टाइप के काजल मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मैं पतले ही लगाती हूँ। कैसा दिख रहा था वही हंस रही थी। उसके बाद से मैं लाइनर लगाती हूँ, लेकिन कट करके मैं आईनेक में लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझसे लगाने नहीं होता है। उसके बाद फिर लिपस्टिक कत्था कलर का लिपस्टिक मतलब मेरे पास नहीं था, उन्होंने गाढ़ा पूरा कत्था में कत्थे रंग में लगाया है। फिर उसके बाद से लिपस्टिक पेंसिल से थोड़े से मेकअप कर दे रही हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। ये मेरे पास ये कथा कलर का ये लिपस्टिक था, लेकिन बाद में लग नहीं पाया, मुझे याद आया कि था तो लगाया, जो लग नहीं पाया तो फिर मैंने छोड़ दिया। अभी नहीं लगा रही थी, पूरा डाइन लग रही हूँ उसके बाद से थोड़ा मैंने सब सारे ज्वेलरी सब कुछ मतलब पूरे लुक में आई, तो थोड़ा मेरा चेहरा अच्छा लगाने में। पहले तो कैसा दिख रहा था, अभी देखिए अभी चेहरा पर, बोलते हैं ना औरत का सिंगार 16 सिंगार है, 16 सिंगार कर लो तब जाके चेहरा खिलता है। तो इधर मैं थोड़े अपने बालों को भी घुंघरालू बनाई कि शायद उससे उनके जैसे हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। कि कर तो हो गया था अच्छे से, लेकिन जब मैंने बनाया कि नहीं बन, तो वो हुआ नहीं, चिपक गया, मतलब पचक गया बोल रही हूँ, चिपक गया। पता नहीं मेरा, जब भी मैं बैंड करती हूँ थोड़ा उठा के करने की सोचती हूँ, तो मेरा मेरे बाल ही उसे नहीं है जो उठते ही नहीं है। तो इधर मैं जुड़ा कर लेती हूँ। गाइस मैं सर जितना भी रेडी हूँ ना, मेरा टोटल कहूँ तो मुझे 12 मिनट लगे थे, और मैंने स्पीड मतलब उसको क्लिप को छोटा किया है स्पीडर करके, नहीं तो मेरे टोटल मेरे इतने मेकअप 12 मिनट में हो गए थे। तो पूरा कंप्लीट हो गया था, 12 मिनट हुआ था, फिर मैंने उसको छोटे छोटा किया है, मतलब तीन साढ़े तीन मिनट का किया मैंने वीडियो स्पीडर लगा करके। ये देखिए मैंने नाक का चूड़ी और कान का मेरे पास नहीं था, तो गोल्डन कलर का था उसी को पहन लिया उस टाइप का। मैं इस टाइप का कान का बहुत कम लेती हूँ। ये देखिए चूड़ी भी मेरा जो था मतलब उसी से मेकअप किया है, उन्होंने लाल और ग्रीन में की है। और ये आईलाइनर से ही उसको भी कट करके मैंने शीशे में देख करके ये किया। इधर नेल पॉलिश लगा ले रही हूँ थोड़ी थोड़े सिल्वर रंग की। तो इसी के साथ मेरा मेकअप लुक रेडी है, तो आगे कंटिन्यू बने रही है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक।
लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं गंगू बाई बन पाई हूँ, मैं सोनम बाई बन गई हूँ। क्योंकि एक तो मेरे पास कत्थे कलर की लिपस्टिक नहीं थी, बहुत कुछ नहीं था, और ऊपर से मैं मेरे ही मोबाइल में उनका पिक है और मैं अपना शूट के दौरान उनका पिक नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए। तो कैसा रहा मेरा लुक, जैसा भी कोशिश किया है वैसा तो पूरा नहीं कर पाऊंगी, मेकअप स्टार तो हूँ नहीं और मैं ज़्यादा लिपाई पोताई भी अपने फेस पर नहीं करती हूँ। यही मेरा रूटीन रहता है मेकअप का, और सबका तो जितना भी लिपाई पुताई करे, रियल चीज़ तो ये रहता है, मेन काम तो कैमरा का क्या बोलते हैं फिल्टर ही काम करता है और कुछ नहीं। ये देखिए नेल पॉलिश लगाई, चूड़ी गंगू भाई, और मेरे पास व्हाइट कलर का ब्लाउज भी नहीं था तो मैंने पीला कलर का था, तो ये और ये जो देख रहे हैं ना ये साड़ी नहीं ही ओढ़नी है। जो भी था बस थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने के लिए मैंने ये सब किया है, और ये गंगू भाई शादीशुदा है इसीलिए सिंदूर लगाई है, और बालों का भी सोचा उनके जैसा घुंघरालू टाइप का करने का लेकिन कर नहीं पाई। तो और इसी के साथ मेरा मेकअप वाला लुक अगर आप सबको पसंद आए तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं हर हफ्ते में एक बार जरूर किसी ना किसी स्टार की मेकअप लुक अपने स्टाइल से लाऊंगी, जैसा भी लगे। मेरे पास कान इयररिंग भी उनके जैसा नहीं था, तो इसे गोल्डन कलर का था, वो एक्चुअली सिल्वर कलर का ही पहनी है जितने में भी मैंने देखा है। तो बताइएगा कैसा लगा, और मज़ा आया कि नहीं आया, कॉमेडी तो हो गया होगा क्योंकि ये मेकअप लुक तो ये कुछ नहीं है। मुझे अगर मेरा चैनल अगर देखेंगे, मेकअप जो करते हैं ना जिनका चैनल है वो आत्महत्या कर लेंगे, बोलेंगे हम क्या कर रहे हैं। तो सॉरी, मैं अपने घरेलू जो यूज डेली यूज वाले जो भी मेकअप के सामान होते हैं उसी से मैंने किया है, और ज़्यादा मेरे पास है भी नहीं सामान क्योंकि मैं लाती भी नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा मेरा फेस पर हर चीज़ सूट नहीं करता है इसीलिए। तो चलिए, मेरे ब्लॉग को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गंगू मैं आज थोड़े बहुत गंगू बाई बनी हूँ, ये भी पता नहीं कैसे सही ढंग से लगा है, कहाँ लगा है पता नहीं मुझे भी, अभी मैं पिक को देखूंगी तब मुझे समझ आएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऐसा ब्लॉग और बनाऊँ कि ना बनाऊँ, ठीक है, मुझे मेरे ख्याल से आएगा कि ना बनाऊँ, ठीक है। तो मेरे अगर ये वाला ब्लॉग मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और धन्यवाद मेरे ब्लॉग को एंड तक देखने के लिए, और बताइएगा अच्छा बुरा जैसा भी बनाई हूँ, थोड़े बहुत शॉर्ट वीडियो भी अच्छा बुरा जैसा भी बनाई हूँ बताइएगा। अब मैं जा रही हूँ, थोड़े बहुत शॉर्ट वीडियो जब तैयार हुई हूँ तो गंगू भाई जी का थोड़े बहुत डायलॉग बाजी मार लूँ। तो टाटा बाय बाय, एंड रात को ये वाला ब्लॉग अपलोड होगा, तो इसी के लिए गुड नाइट, बाय।